हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू डू मैथ्स. प्लीज टेक दिस मार्वल सेमेस्टर सीरीज सीनियर केजी बुक 2. टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 133. ओके, पेज नंबर 133 ओपन करना है. और पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आज की डेट लिखते हैं. तो आपको डेट लिखनी है, ठीक है? अब आज हम क्या सीखने वाले हैं, रीड करो. डायरेक्शंस, यस. तो लेफ्ट और राइट हैंड आपको पता है कौन सा लेफ्ट होता है और कौन सा राइट? तो आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पता होगा तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है. ओके, तो अब यहाँ पर देखो, लिखा है लेफ्ट. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि थंब इस तरफ है, तो ये लेफ्ट साइड हुई. और ये थंब इस तरफ है तो ये राइट है. तो आपका हाथ लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है वो आपको पता ही है. यस, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है और क्रॉस करना है. तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर टिक करना है और कहाँ पर क्रॉस? तो आप देखो, इस साइड है तो लेफ्ट होगा और इस तरफ है तो राइट होगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लेफ्ट राइट. और आपको क्या करना है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स में कलर करना है पहले, ठीक है? कलर करने के बाद आपको देखना है कि ये राइट साइड है या लेफ्ट साइड. आप यहाँ पर देखो, आपको ये लाइन दी गई है यहाँ पर, यस. तो आपको लाइन से देखना है, ये लाइन है और ये ऑब्जेक्ट लाइन के कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है. और ये सारे ऑब्जेक्ट्स लाइन से राइट साइड की तरफ है. ओके, तो लेफ्ट साइड है तो यहाँ सभी बॉक्स में हम क्रॉस करेंगे. तो आपको भी क्रॉस करना है. ओके, और ये सारे ऑब्जेक्ट है वो लाइन से राइट साइड की तरफ है, तो राइट साइड की तरफ है इसीलिए टिक करेंगे. ओके, तो आपको यहाँ पर टिक करना है. आपको लेफ्ट और राइट नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आपका हैंड इसके ऊपर रखना है और देखना है कि थंब यहाँ पर आता है. जो थंब यहाँ पर आता है तो वो आपका लेफ्ट हैंड होगा, और यहाँ पर आप अपना हाथ रखोगे और थंब इसके ऊपर आता है तो वो राइट हैंड होगा. ओके, अब आपको ये पेज कंप्लीट करके पेज नंबर ओपन करना है 139. पेज नंबर 139 ओपन करना है और ऊपर आज की डेट लिखो. अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें सिर्फ कलरिंग करना है. पर कैसे करोगे, तो पहले आप यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर ये जो डॉट्स है उसको काउंट करेंगे और यहाँ पर नीचे नंबर लिखेंगे. ओके, तो आपको भी मेरे साथ काउंट करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो यहाँ पर लिखो 9, लिखा आपने 9 लिखना है. ओके, अब ये काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो यहाँ पर लिखो 1, 0, 10. अब ये काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो यहाँ पर लिखो 15. लिख रहे हो ना आप मेरे साथ? अब यहाँ पे काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो यहाँ पर लिखो 1, 2, 12. अब ये काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
इलेवन ट्वेल्व थर्टीन। तो यहाँ पर लिखो वन थ्री थर्टीन। ओके, अब ये कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो आपको यहाँ सभी जगह पर डॉट्स दिए गए हैं ब्लैक कलर में, यस। तो आपको वो डॉट्स काउंट करने हैं, तो मैं एक आपको दिखाती हूँ करके, ओके। तो यहाँ पर हम ये डॉट्स है तो उसको काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कितने हुए, टेन। तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन से बॉक्स के नीचे हमने टेन लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यस। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है वो कौन से कलर का है, ब्लू। तो आपको यहाँ पर ब्लू कलर करना है, ओके। एक और देखो, यहाँ पर ये डॉट्स है तो हम काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, कितने हुए, थर्टीन। तो यहाँ पर थर्टीन कहाँ पे है, यहाँ पर है, यस। तो यहाँ पर बॉक्स में कौन सा कलर है, येलो। तो आपको यहाँ पर येलो कलर करना है, ओके। इसी तरह से आपको ये पूरा पेज अच्छे से काउंट करना है और उसमें कलर करना है ऊपर देखकर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बुक क्लोज कर देंगे।